छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा कटघोरा थाना अंतर्गत 10वीं की छात्रा का शव कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पीएम के लिए भिजवा दिया। दरअसल पूरा मामला कोरबा कटघोरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत नान बाका का है, जहां मालती कुमारी जो कल शाम को घर से लापता थी, जिसकी खोजबीन परिजनों ने देर रात तक की। आज सुबह उसकी लाश ढूंढने पे कुएं में मिली, जिसके बाद गांव वाले व सरपंच के द्वारा कटघोरा थाना को इसकी सूचना दी गई। परिजनों का कहना है कि मालती पढ़ने लिखने में होशियार थी, जिससे लोगों की समझ से परे है कि कुएं में उसकी लाश कैसे मिली। बहरहाल कटघोरा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। कटघोरा से कुमार सिंह खेरवार की रिपोर्ट। हम अपने घर में खाना खाने के समय 7:30 बजे करीब करीब लगभग जी सभी बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाए और वो अनुपस्थित था। इस स्थिति में घर वालों को पता कैसे चला कि मृतक कुएं में है करके? क्या है, आरा पड़ोस में सब ढूंढे इन लोग जी, और उसके बाद में कि अंतिम समय जहां पर देखे गए थे जी कुआं के पास में, तो कुआं को ही थोड़ा ध्यान में रख कर ना इन लोग खोज किए। ये क्या है, मुझे मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे की बात है जी, मुझे फ़ोन गया, फ़ोन कॉल से के माध्यम से मैं यहाँ प्रस्थान हुआ जी, और उसमें यहाँ के निवासियों को यहाँ के सियानों के द्वारा मैंने भी पूछताछ किया, तो बताया गया कि कहीं कल से बच्ची गायब है और अंतिम समय तक हम कुआं के पास देखे हैं इनको। समय कितना टाइम है कल घर से गायब? लगभग समय अंतिम समय देखने की समय है 5 से 6 बजे तक। मेरा नाम है महासिंह नेटी। महोदय पूरा मामला क्या है? इसमें क्या था सर कि मैं जा रहा था काम पर जी, तो ये इसी घर का बहू ने जी आवाज़ निकाला जी, ये बताए कि ननंद कुआं में डूब गया जी। मैं सोचा ये क्या बात हो गया जी, कोई आपस में थोड़ी लड़ाई उड़ाई हो जी, बोलते हैं कि नहीं, बस इतना ही बात हुआ।